गरीब आदमी फुटपाथ पर पैसे वाले मजे ले रहे हैं, और क्या है, पैसे वाले मजे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं सब। और जो पीछे सरकार रही, समाजवादी पार्टी रही, बीएसपी रही, तो इनमें से किसका काम सही लगा? इनमें से दोनों पार्टियों का सही लगा, मगर इसका काम हमें पसंद नहीं आया भैया। मुंह तो बेकार लग रहा है यार। रोजगार बेरोजगार मिल रहा है ना? मिल रहा, रोजगार कहाँ मिल रहा है? जनता है आने वाला है, तो किसको देखना चाहते हो? तो ये मायावती देखना चाह रहे हैं। तो वोट किसको दिया था पिछले चुनाव हुए थे जब? यही दे बीजेपी है। हाँ? तो अब किसको दोगे? अब तो भैया पहले आदमी देंगे, भाई मायावती देंगे। पहली बार की पिछले क्यों दिया था? क्या सी उम्मीद की थी? क्या वादे अच्छे लगे थे इनके? जब तो वादा बढ़िया बोले जावे तो वादे अच्छे लगे। अब भैया वो हेकनी आदमी ना करो तो वहाँ इंतजाम बहुत धनी पर गए, बहुत डर गई, छुट्टी ना भाई लग रही है कि जी सरकार रही तो छूट सकते हैं। अरे कोई सन मेरी बात सुनिए, तो 2022 में वोट मायावती देंगे। काम बेकार कर रही है। 2022 में कौन है मुख्यमंत्री बनाओगे? मायावती है। जो ऊपर तो ऊपर ही खा जाते हैं, अधिकारी है का कोई पैसा नहीं देता है, मजदूर की तरफ कोई नहीं देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आम व्यक्तियों के पास आ चुके हैं जो कि यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और इनके मन की बात जानें, क्योंकि इनके पास कोई नहीं आएगा। हम आए इनके मन की बात जानने और आखिर किसको 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए करते हैं बातचीत। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? जी क्या नाम? जी मेरा नाम कैलाश है। तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हो आप? भाई साहब आज ही कर रहे हैं। पैसा वैसा मिल रहा है? पैसा वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा आपको? चलो, तो जैसा कि आप ये बताइए, सरकार का काम कैसा लग रहा है? सरकार का काम हमें बढ़िया लग रहा है ना साहब। क्या कुछ बढ़िया नहीं लग रहा? क्यों नहीं बढ़िया लग रहा? सब गरीब बैठे और पैसे वाले घूम रहे। क्या गरीब आदमी फुटपाथ पर पैसे वाले मजे ले रहे हैं, और क्या है, पैसे वाले मजे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं सब। और जो पीछे सरकार रही, समाजवादी पार्टी रही, बीएसपी रही, तो इनमें से किसका काम सही लगा? इनमें से दोनों पार्टियों का सही लगा, मगर इसका काम हमें पसंद नहीं आया। सपा बसपा का सही लगा, पर इन दोनों में से इसका बिल्कुल सही नहीं। बेरोजगारी होगी इसमें तो? बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी है। लॉकडाउन में आप आगे बढ़े उभरे या दबे? भाई साहब बिल्कुल दबे हुए बैठे, निकल भी नहीं रहा है। कोई लाभ मिला? 2-3-7 महीना में आज पहली बार काम करो। 7 महीना में पहली बार काम कर? इतना काम कर रहे हैं और क्या करें तो। हाँ, यानी अगर लॉकडाउन ना होता तो लगातार करते? लगातार करते। बड़ी समस्याएं हुई होंगी भाई? समस्या सब ये है कि जब प्रदेश से आदमी गांव में आ गया, गांव में भी मजदूरी ना मिले फिर कहाँ जाएगा? सही बात है, सही है। और युवा व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। तो क्या कुछ काम करते हो आप? हमें तो 2-4 दिन काम करती है। जी जी जी, जैसा आपको पूछने बताने बताइए, कैसा काम लग रहा है सरकार का आपको? भैया मुँह तो बेकार लग रहा है यार। रोजगार बेरोजगार मिल रहा है ना? मिल रहा, रोजगार कहाँ मिल रहा है? जनता है जॉब वगैरह करने को कुछ ना मिल रही? सरकार कोई जॉब नहीं निकाल रही है भाइयों के लिए? अभी तो कोई नहीं निकाल रही है। तो यूपी में चुनाव आने वाला है, तो किसको देखना चाहते हो? अरे तो ये मायावती देखना चाह रहे हैं। काम कैसा लगाता जब पिछले 4 बार रही मुख्यमंत्री, तो उनका काम कैसा? बहुत बढ़िया। क्या क्या कुछ बढ़िया लगाता? सब कुछ था, टाइम पर पुलिस आती थी, सब काम होते थे। आपकी सुनी जाती थी थाने में? हाँ सुनी जाती थी खूब, अब नहीं सुनी जाती है। अब बिल्कुल नहीं नहीं सुनी जाती। तो अगर सरकार में आएंगी 2022 में मायावती को वोट दोगे? हैं हाँ। तो सरकार में आएगी तो खुद लाभ मिलेगा आपको? जो लाभ पूरा मिलेगा भैया, सब कुछ आपकी सुनवाई होगी। हाँ। तो जैसा कि युवा भाइयों ने भी बातचीत रखी और व्यक्तियों से बातचीत करेंगे, आइए हमारे साथ। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र कुमार भैया। तो क्या कुछ कैसा काम चल रहा है यहाँ पे भैया? बिंद नहीं कर रहे हैं डोरी। तो सरकार कह रही है कि सबको, युवाओं को मदद की जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, खातों में दिया जा रहा है, आपको कुछ आया? हमारे कछु ने 10 रुपए गए भैया अभी तक। अभी तक नहीं आया? अभी तक 1 रुपया ना आयो? नहीं, किसी कैसा भी 1 रुपये नहीं आया। 1 रुपया ना भैया खाते में कैसे? क्या कुछ सरकार में कहना चाहोगे? अपने मन की बात क्या है आपके मन में भैया? जी सरकार तो मतलब घपलो ही कर रही है, कछु ना करके दे रही, खा ही रही है बस से। हमें तो मेहनत हो कछु ना मिल लो, मेहनत कर रहे तो मिल जा, तो ना तो कोई बड़े दिना काट रहे। हाँ, काम कैसा चला था लॉकडाउन में? चला ना चला? लॉकडाउन भैया सब घर बैठे रहे, काम कहाँ चलो लॉकडाउन, सब 6-7 महीना घर बैठना पर हुए। तो कभी सरकार के लिए रोजगार मिल रहा है युवाओं को, आपको कोई रोजगार मिल रहा है? 10 रुपया ना आए भैया कभी खाते में? कभी ना आए, कभी भी। जो मेहनत से कर लिया उसी से घर चला लिया। बस मेहनत कर रहे हैं वही तो घर चल रहा है। तो वोट किसको दिया था पिछले चुनाव हुए थे जब? यही है दयो बीजेपी है। हाँ? तो अब किसको दोगे? अब तो भैया पहले आदमी देंगे, भाई मायावती देंगे। पहली बार की पिछले क्यों दिया था? क्या सी उम्मीद की थी? क्या वादे अच्छे लगे थे इनके? जब तो वादा बढ़िया बोले जावे तो वादे अच्छे लगे। अब भैया वो हेकनी आदमी ना कछु करो तो वहाँ का इंतजाम हुए। जो बोला वो किया नहीं? नहीं किया। तो अब की बार अपने व्यक्ति पे विश्वास करोगे? अपने पे करेंगे जब, मायावती पे ही। 2022 में मायावती को? और जब पिछले सरकार रही तो सही लगी? वाह बढ़िया रही पिछली बार, बढ़िया काम हो, टाइम से बिजली मिली, टाइम से सब काम मिलो। अब लैट्रिन में आ रही है, काम करोगे पानी ना मिल रही, पानी का है मसाले का भी पानी ना मिल लो भैया, जहाँ काम करोगे मेहनत बैठी।
और भाई से वजी किसको दोगे आप वोट 2000? मायावती देंगे और कौन देंगे? अच्छा लगा था काम और का आज कैसे नाराज से लग रहे हो आप इतनी जोर से? अरे खचुना है रोटुना भैया, तो रोटुना भाई रोटी नहीं भाई, पैसा मिल तो ना है, पैसा मिल लेना। हाँ कहीं बाहर काम किया था आपने? हाँ खूब करो है, लॉकडाउन में बैठे रहे, लॉकडाउन में काम ही छूट गया। तू ही ना है भैया, खजू चीज बता दी बो धनी पर गहने में उधर गई, वो उधर है गई, छुट्टी ना है भाई, लग रही है कि जी सरकार रही तो छूट सकते हैं। अरे कोई सन नहीं है भाई, मेरी बात सुनिए तो 2022 में वोट मायावती देंगे जी जी। और भाइयों से बातचीत करेंगे, आइए हमारे साथ जी। भैया क्या नाम है आपका? भोला राम। भोला राम, तो क्या कुछ काम लग रहा है? सही लग रहा है अच्छा सरकार को काम? कोई काम अच्छा ना लग रहा, क्या कुछ खराब कर रही है सरकार? सब काम बेकार कर रही है। सब रही काम बेकार कर रही है। 2022 में कौन है मुख्यमंत्री बना हुए? मायावती है। पिछले बार किन्होंने दिया तो वोट? दया तो ये मायावती है, ऊपर बनी ना ना बनी हुई है। तो जब जब सरकार में थी तो अच्छा किया नहीं किया आपके लिए? हाँ कियो। अब कितनी पक्का वोट किसको जाएगा? मायावती को। अब कोई आपको बाद से भटकाएगा तो भटकोगे या नहीं? जी ये तो बिल्कुल नहीं भटकने वाले, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और कई व्यक्तियों से बातचीत रखी और व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। तो और जी क्या नाम है जी? क्या नाम? मेरा नाम है राजकुमार जी। काम कैसा लग रहा था? काम तो सही है, पर सहायक है क्या कहते हैं जो कुछ करते हो तुम ही लोगों पर आता है जो कुछ हुआ। क्या आता है जो ऊपर तो ऊपर ही खाए जाते, अधिकारी है का कोई पैसा नहीं देता है। बड़ी परेशानी? हाँ बड़ी परेशानी है, मजदूर की तो मजदूर का तो सब सबसे ज्यादा। इस तरीके से अधिकारियों पे आप आरोप लगा रहे हो, यानी कह रहे हो ऊपर से ऊपर खाए जाते हैं, ये सपा या बसपा में ऐसा हुआ था? बसपा में तो अभी ना हुई, सभी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते, आटे में नमक तो सबका चलता। बात तो आपकी ठीक है, पर बसपा की सरकार कैसी थी? बसपा की सरकार ठीक थी। मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की, अब देखो बनेगी क्या होगा। 2022 में आपके मन में क्या है, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? सच बताना मन में क्या है? मन में क्या है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के मन में तो अखिलेश की है। अखिलेश को देखना चाहते हो? अच्छा लगा था उनका काम? वैसे ठीक है, अब देखो आगे देखो क्या क्या हो, क्या करेगा। वैसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो अखिलेश की सरकार से, क्या कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद तो देखो कोई सर नहीं है, मुलायम ने तो बहुत सारे लगा दिए, जनता की तरफ से देखा नहीं था जी, जी। और क्या कहते हैं वो मजदूर की तरफ कोई नहीं देखता है। कितने रुपए मिलते हैं आपको यहाँ पर? वो लोगों को मिलते हैं 300 रुपये, 350 रुपये। लगातार काम चल रहा है कि बड़ी परेशानियों का सामना करना है? बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता भाई साहब। मिल गया तो मिल गया काम? नहीं 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 जी जी। जैसा कि यहाँ पे कई व्यक्ति मजदूरी कर रहे थे और उन्होंने अपने मन की बात रखी, यहाँ पे स्कूल का काम चल रहा है और कब्रें वगैरह बनाए जा रहे थे, उन्होंने अपनी मन की बात रखी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसी प्रकार से आम व्यक्ति के मन की बात जानते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।